गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको थायराइड गले के बारे में बताऊंगा कि थायराइड गले क्या होता है, क्या क्या थायराइड गले में बातों को लिखा जाता है, किन किन बातों पर थायराइड संक्रमण होते हैं। ठीक है, तो साझेदारी समझे। सबसे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि जो साझेदारी संलेख होता है वो साझेदारी मध्य जो नियमों का निर्माण होता है, साझेदारों के मध्य जिन जिन बातों पर उनके बीच ठहराव होता है उन चीजों को हम साझा संलेख कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि साझा में जिन जिन बातों को आपस में निश्चित किया है वो साझा संलेख होता है। जो साझा आपस में हमें ये काम करना है, हमें उस तरीके से काम करना है, हमें इस काम को कैसे करना है, तो वो जो भी निश्चित करते हैं वो साझेदारी संलेख कहलाता है। तो साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य साझा जानते हैं कि दो या दो से अधिक होते हैं, कम से कम दो साझेदार होते हैं और अधिकतम साझा 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो साझेदारों के मध्य लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, आप समझ भी गए होंगे कि साझेदारों के मध्य जो समझौते तैयार किए जाते हैं, जो समझौते होते हैं उन्हें साझेदारी संलेख कहते हैं। ठीक है, तो साझेदारी जो संलेख होता है उसमें मुख्यतः किन किन बातों का समावेश किया जाता है, किन किन बातों में वो निश्चित होते हैं, किन किन बातों पर वो क्या करते हैं, अपनी बातों को निर्धारित करते हैं। तो साझेदारी संलेख में फर्म का नाम है पता। सबसे पहले क्या करते हैं कि भैया हम जो पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं उस फर्म का क्या नाम होगा और वो फर्म हमारी कहाँ पर होगी, क्या उसका एड्रेस होगा। तो सबसे पहले हमें फर्म का नाम क्या पता वीडियो खराब है। वीडियो खराब हुई तुम्हारी, क्यों तो कैसा है? एरोप्लेन में डाल मैसेज आ जाएगा बीच में, मत रुक यार, मैं जल्दी कर रहा हूं। बीच बीच में